जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। ये प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो पीरजादे हैं। पीरजादे के मतलब बुजुर्ग हैं और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं लेकिन सच कम झूठ ज्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा, मिथिला की धरती पे आए हैं तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। झंझारपुर हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, लगातार एनडीए के सांसद, केंद्र में उनकी सरकार और बिहार में उनकी 17 साल से सरकार, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आए थे तो थोड़ा चले जाते, जो दरभंगा एम्स देख लेते कि क्या स्थिति है। लोग जाता है शोभन, ढूंढ रहा एम्स कहाँ है, किसी को मिलता ही नहीं, लौट के चले जाते हैं लोग। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को कौन जानकारी दे देता है कि एम्स बन गया है यहाँ। अरे जमीन तो हमने दिया था एम्स का 17 महीने में शोभन में, और डीएमसीएच का अलग से विस्तार का जो 2500 बेड का करना है वो सारा हो रहा है डीएमसीएच का। लेकिन काम की बात जो है प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए। और इस बार जो है बीजेपी की हालत बिहार में एकदम टाइट है, लोग ऊब चुके हैं प्रधानमंत्री जी के झूठे वादों से। और लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सच बोलिए। और लोग याद दिला रहे हैं गागा करके, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पर मारा गया ये सीधा साधा देश हमारा। तो ये जो गाना है ये लोग गा गा करके उनसे कह रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, विशेष स्टेटस देंगे, अटेंशन देंगे। कुछ भी नहीं मिला बिहार को, सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ, 39 सांसद भेजा, कुछ नहीं किया। अब आप देखिएगा, यहाँ हम लोग मिथिला में हैं, दरभंगा में, यहाँ मछली का, मखाना का कितना बड़ा इंडस्ट्री हो सकता है, कौन सा इंडस्ट्री लगाए यहाँ। यहाँ का मखाना जाता है बाहर, जो यहाँ के किसान को सही मूल्य नहीं मिल पाता, लेकिन वही पैकेट में रैप रैप करके 400-500 रुपया 100 ग्राम मिलता है, इतना महंगा। लेकिन हमारे किसानों को क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता।